हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही है कि हमारे स्वैग की प्लेलिस्ट चल रही थी और आज का ये मेरा पार्ट 5 पार्ट चल रहा है। और अगर आपने मेरे पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाला हूँ, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्वैग बॉक्स के सर्वेज के बारे में। दोस्तों इस पर बहुत सारे शानदार सर्वेज आते हैं और कई सारे हमको ऑफर वॉल के भी सर्वेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि कहने का पूरा मतलब ये है कि आपको यहाँ पर सर्वेज में तो कोई भी कमी नहीं पड़ने वाली। और बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो समझे ही नहीं होंगे कि सर्वेज होते क्या हैं, तो मैं उनके लिए समझा देना चाहता हूँ कि दोस्तों सर्वेज जो होते हैं वो सर्वेज एक तरह की हमारी राय लेते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो सर्वेज कराती है और वो सर्वेज के बदले हमसे अपना राय लेती है कि हमको उनका प्रोडक्ट पसंद है नहीं पसंद है। कई बार ना हमारी पर्सनल डिटेल भी पूछ ली जाती है, इसलिए हमको जो सर्वेज है उनसे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी साथ ही साथ में होती है। कई कई सर्वेज के हमको $1 तक के भी मिल जाते हैं, ठीक है, और करने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहते। बस हमको कुछ टिक बॉक्स पर क्लिक करके उनको नेक्स्ट करके आगे बढ़ना होता है। बहुत आसान होते हैं दोस्तों सर्वे और उनका हमको प्राइस भी ज़्यादा मिलती है, हमको उनके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए शानदार मेरे को सर्वेज ही लगते हैं आज तक अर्निंग के मामले में। तो स्वैग बॉक्स में कैसे हम सर्वेज कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि सामने ही हमारे पास में क्विक सर्वेज का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों ये हम इसमें सर्वेज करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमको एक क्विक सर्वे करना पड़ता है। इसके हमको 5 SB मिलेंगे और जो लोग नहीं जानते कि SB इसमें क्या होते हैं, तो दोस्तों 100 SB का यहाँ पर $1 बनता है जो हमारे पेपाल में हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 5 SB मिल रहे हैं, यानी कि 5 सेंट हमको यहाँ पर दिए जा रहे हैं स्वैग बॉक्स की तरफ से। दोस्तों इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस हमारी बेसिक डिटेल्स ये मांगेगा, ठीक है, तो उनको हमको यहाँ पर सबमिट करना होगा। और जैसे हम उनको सबमिट कर देते हैं तो इनके पास में हमारी प्रोफाइल चली जाएगी, और जैसे इनके पास हमारी प्रोफाइल चली जाती है तो ये हमको जो हमारी प्रोफाइल के अनुसार सर्वेज है वो देना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों इससे हमारा मतलब ये निकलता है कि हमको प्रोफाइल हमको हमारी अच्छी बनानी पड़ेगी। तो प्रोफाइल अच्छी बनाने के लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बेस्ट प्रोफाइल बताई थी जिससे आपको सर्वेज भी ज़्यादा मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है, चाहे से हमारी क्वालिफिकेशन कितनी भी हो, चाहे से हमारी उम्र कितनी भी हो, हमको एक ऐसी प्रोफाइल यहाँ पर जनरेट करनी पड़ेगी जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेज मिले, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। कैसे करनी है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, पर अगर आपने मेरे पिछली वीडियो उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर तो साथ ही साथ में ऑप्शन मिलता ही है, साथ ही साथ में आपको जो ये 3 लाइन्स का आइकन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कौन सा आंसर का, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आप इस आंसर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इसके एक नए पेज पर। कौन सा पेज है मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेलकम टू स्वैग बॉक्स यू आंसर। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये गो नाउ का जो ये बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक और पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा दोस्तों। यहाँ पर अभी थैंक्स आ रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, नीचे आ जाना है। और नीचे आ जाने के बाद में जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये इसको हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कंटिन्यू का जो बटन है ये हाईलाइट हो जाएगा, हमको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, स्वैग बॉक्स हमको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगी जिसमें हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाएगी। दोस्तों हमको यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल शानदार बनानी है, वो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो जेंडर पूछा जा रहा है दोस्तों, ये मेल फीमेल हमको पूछा जा रहा है। दोस्तों ज़्यादातर जो सर्वेज होते हैं वो बेशक फीमेल्स के लिए आते हैं, क्योंकि क्या है कि आजकल फीमेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है फीमेल्स को भी, और साथ ही साथ में जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होते हैं वो फीमेल के रिलेटेडली प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जो ब्यूटी ब्रांड्स है जो सर्वेज कराती है, पर अगर हम इसे यहाँ पर मेल भर देते हैं तो शायद हो सकता है उन ब्यूटी ब्रांड्स के सर्वेज हमारे पास नहीं आ पाए। और अगर मान लीजिए हमने फीमेल भर देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मेल के लिए सामान बनाते हैं, जैसे कि शेविंग क्रीम वगैरह हो गया, तो उससे क्या होगा कि हमको मेल के सर्वेज नहीं आएंगे। तो आप यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं, जो भी आप चाहो। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद में हमको यहाँ पर एज पूछी जाएगी। दोस्तों एज क्या रखनी है हमको, एज हमको मिडिल रखनी है, बिल्कुल बीच में। अगर आपकी एज ज़्यादा भी है, मान लीजिए अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं, तो आप यहाँ पर 30 से लेकर 40 साल के बीच में ही एज भरिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें क्या होगा, हम अपने चिल्ड्रंस को भी भर पाएंगे। अगर आपके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो भी आपको यहाँ पर देना है कि हाँ आपके पास चिल्ड्रन है। अगर मान लीजिए कोई सर्वे है ऐसा जो
चिल्ड्रन के लिए सर्वे है तो वो आपको सर्वे मिल जाए, इसलिए आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आपको बस राय दे रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ पर जो एज रखिएगा वो 30 से 40 के बीच में ही रखिएगा, चाहे जैसे आपकी एज हो, चाहे आप 18 साल से नीचे के हो या फिर 40 साल से ऊपर के हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर एज है वो 30 से 40 के बीच में ही रखिएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर कर देते हैं 39 एज कर देते हैं, और यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, और यहाँ पर हम इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है When you born, यानी कि आपका जन्म कब हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हमारी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट की थी हमारी एज, तो हमने सेलेक्ट की थी 39, यानी कि उसके हिसाब से हमको जो अभी का ईयर चल रहा है, कौन सा चल रहा है दोस्तों, लगभग अभी शुरू होने वाला है 2022 थोड़े दिनों में, और अभी जो चल रहा है 2021 चल रहा है, तो मैं यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर 39 माइनस करके उस साल को यहाँ पर एंटर करूँगा, और डे और मंथ में हम कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको फिलअप कर देता हूँ, और जैसे हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे तो हमारे सामने कंटिन्यू का बटन ओपन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ भर दी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मेरी फेक डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एक तो भर ही दिया था, साथ ही साथ में यहाँ पर 1982 इसलिए भरा है क्योंकि अगर आप 2021 में से 1900 क्या कहते हैं, अगर 39 एज घटाएंगे तो आपके सामने निकल आएगा 1982, तो वही हमने यहाँ पर भर दिया है। इसके बाद में हमको क्या करना है, कंटिन्यू का जो बटन दिख रहा है आपको नीचे हाईलाइट हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक नया वेब पेज लोड कर देगा, इसमें हमसे हमारी स्टेट पूछ जाएगी। दोस्तों जो ये हम भर रहे हैं ये फेक प्रोफाइल भर रहे हैं, इससे हमको क्या होगा, ज़्यादातर सर्वेज मिलेंगे और ज़्यादा सर्वेज से हमको ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टेट में सेट कर लेंगे दोस्तों दिल्ली, क्योंकि क्या है कि कई बार सर्वे होते हैं वो बाहर से भी आते हैं। आप अगर मान लीजिए किसी राज्य में भी रहते हैं तो भी आप यहाँ पर दिल्ली तो भर सकते हैं, साथ ही साथ में जो आपके कैपिटल है, आपके जो राज्य की जो भी कैपिटल है वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि सर्वेज के ज़्यादा मिलने की जो उम्मीद है वो बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, और देखिए यहाँ पर दिल्ली होगा तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो हम हमारा कोई सा भी यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली अवेलेबल भी है दोस्तों, हम यहाँ पर दिल्ली पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में हमको ये एक नए वेब पेज को लोड कर देगा, इससे हमारी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी दोस्तों। तो चाहे से आप 10वीं फेल हो दोस्तों, है ना, यहाँ पर आप हमेशा जब भी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पर या तो कॉलेज डिग्री भर देना या फिर मास्टर डिग्री भर देना, इन दोनों से आपको कोई भी एक सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिग्री कर देता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। आपको बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों यही भर सकते हैं जो भी मैं भर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि ये जो प्रोफाइल है ये मैं बहुत बार अप्लाई की है, इससे आपको बढ़िया सर्विस मिलते हैं। और इसके बाद हम ये हमसे पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप स्टेटस कैसा है हमारा, तो हम यहाँ पर मेरिट कर देते हैं। मेरिट करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि क्या है ज़्यादातर जो सर्विस होते हैं वो मेरिट के लिए ही आते हैं, ठीक है। और इससे हमारी जो सर्विस की प्राइस है जिसके हमको सर्विस मिलते हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब ये हमसे पूछ रहा है कि करेंट हमारा हाउस होल्ड स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर हम ओन अपार्टमेंट कर देते हैं या फिर हमारे साथ में यहाँ पर ओनर्ड सिंगल फैमिली हाउस, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं सेलेक्ट और इसके बाद में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो आप खुद का ये घर भरिएगा दोस्तों। इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें से क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे आई हैव वन और मोर चिल्ड्रन अंडर 18, ठीक है। ये आपको ये वाला जो सेकंड ऑप्शन दोस्तों आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आप कंटिन्यू के बटन क्लिक कर दीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ आपको ऐसे इस तरह प्रोफाइल को बना लेना है, और ये जो इसकी PDF है दोस्तों उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिस वीडियो में मैंने इसकी PDF प्रोवाइड की है जो आपको हर सर्विस करते वक्त काम में आएगी, उसको आप काम में ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसमें मैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर देने वाला हूँ जो भी वेबसाइट के सर्विस के बारे में है। तो देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन के बारे में पूछा जा रहा है, तो चिल्ड्रन के बारे में हम यहाँ पर भर देते हैं। हम यहाँ पर कर देंगे एक तो गर्ल कर देते हैं 10 ईयर्स की, और बॉय कर देते हैं, यहाँ पर हम बॉय कर देते हैं 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पर फुल टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। आप यहाँ पर से फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। याद रखिएगा आपको ये जो नीचे वाले ऑप्शन होते हैं प्रेफर नॉट टू आंसर और डिसेबल परमानेंटली, इनको तो आप बिल्कुल भी सेलेक्ट मत करिएगा, ठीक है।
आपको जो सेलेक्ट करना है वो या तो फुल टाइम सेलेक्ट कर लीजिए या पार्ट टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर जो ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों, और आपको क्वेश्चन वाइज यहाँ पर से टिक करके आंसर देने पड़ते हैं, और नीचे नीचे आपके पास में नन ऑफ द अबाव, प्रीफर नॉट टू से, तो ये वाले ऑप्शन होते हैं, इन पर तो आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। और अदर वाला भी ऑप्शन होता है उस पर भी बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए, जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे आपको हो सकता है डिस्क्वालीफाई कर दे सर्विस से। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप प्रोफाइल को अपनी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी बनाए रखने की कोशिश करिएगा। तो अभी हमने यहाँ पर फुल टाइम सेट कर दिया है, इस बार हम कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देते हैं। दोस्तों अभी हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी, हम किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सर वैसे हम कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर जो ऑप्शन आपको प्रेफर करूँगा वो करूँगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद में हम आएंगे नीचे और यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है कौन सा है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, तो मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में कंटिन्यू का बटन है यहाँ पर, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा डिसीजन मेकिंग का, किस किस में हम डिसीजन मेक करते हैं। तो यहाँ पर हम जितने चाहे उतने सेलेक्ट कर सकते हैं। पहली बात को ज़्यादा जो हमारे डिसीजन लेते हैं वो हमको सर्विस में हमेशा यही भरना है कि दोस्तों कि हम ही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि क्या है कि जो सर्विस की कंपनी है वो चाहती है कि वो उससे सर्वे करवाएं जो डिसीजन लेता है। ठीक है, वो उसको सर्वे थोड़ी देगा जो डिसीजन नहीं लेता, उसको सर्वे देने का फ़ायदा क्या होगा उनको। इसलिए आप हमेशा यहाँ पर डिसीजन वाला चूज़ कर लीजिएगा, और यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में ये हमसे हमारा जॉब टाइटल पूछेगा। जॉब टाइटल में आप ध्यान रखिएगा, आपको आपसे ये प्रूफ नहीं पूछने वाले, इसलिए आप ऊपर वाला तो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर नीचे आके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सारी लोकेशंस में दुनिया भर में कितने एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा ही सिलेक्ट करूँगा दोस्तों। वैसे मैं जो प्रोफाइल बना रहा हूँ दोस्तों ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल इसी के सेम टू सेम को पेस्ट कर सकते हैं प्रोफाइल को, इससे आपको ज़्यादा सर्वे मिलेंगे। मैं हमेशा इसी प्रोफाइल को यूज़ करता हूँ। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारी करंट हाउस होल्ड इनकम कितनी है, ये एनुअली पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर इसने लाखों में दे रखी है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शंस हैं 5 से 6 लाख के बीच में भी हम भर सकते हैं। ठीक है, और मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि 5 से 6 लाख ज़्यादा नहीं होते दोस्तों, यहाँ पर से आप इतना सेलेक्ट तो कर ही लीजिएगा, मीडियम है दोस्तों बिल्कुल। और अगर आप ज़्यादा भर देते तो हो सकता है कि आपके कम सर्वे आएँ। ये जो ज़्यादा सर्वे आते हैं हमारे पास में ये मध्यवर्गीय व्यक्तियों के लिए आते हैं, तो आप यहाँ पर 5 लाख से 6 लाख भरी दीजिएगा। साथ ही साथ में आप यहाँ पर कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपका घर है उसमें डिसीजन कौन लेता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यस ऑल डिसीजन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सारे डिसीजन हम लेंगे तभी तो हमारे पास में सर्विस आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद हमको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद में हमारा सर्वे हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले जो हमारे पॉइंट्स थे, जो हमारी एसबी थी वो 5 थी, और अभी कितनी हो चुकी है यहाँ पर 10 हो चुकी है। यानी कि जो हमारे 5 SB बड़े हैं दोस्तों वो वही क्विक सर्विस के बड़े हैं, और क्विक सर्विस से हमको यहाँ पर 5 SB मिल गए हैं फ्री के। दोस्तों यहाँ पर हम एक और तरीके से अर्न कर सकते हैं, कौन सा वाला, डेली पोल वाला, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपको ऑप्शन खुल चुका है कौन सा सर्वेस का, जिसमें आपको गोल्ड सर्वेस के ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं स्वेगबक्स की तरफ से। इसमें आप गोल्ड सर्वेस आपको दिए जाएंगे, रोजाना यहाँ पर सर्वेस आते रहते हैं, कुछ कुछ घंटों के अंदर यहाँ पर सर्वेस आते रहते हैं, और शानदार शानदार सर्वेस होते हैं दोस्तों। कई सारे जो सर्वेस आते हैं वो एक दिन क्या कहते हैं 1 घंटे के अंदर आपको 70 से 100 रुपये तक के भी सर्वे आ जाते हैं। अगर आप रोजाना इसको करते हैं तो आप बढ़िया इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं सर्विस के द्वारा। स्वेगबक्स वेबसाइट बहुत जेन्युइन वेबसाइट है दोस्तों, मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, इसलिए आपको कोई भी डरने की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो इन्होंने अभी हमको गोल्डन सर्वे दिया है, ये कितने का है, ये यहाँ पर 13 मिनट का है, 75 SB हमको यहाँ पर दिए जाएंगे। 75 SB का दोस्तों यहाँ पर मतलब है कि हमको लगभग 50 से 55 रुपये तक यहाँ पर इसे मिलेंगे, और यहाँ पर क्लिक करके हम इस सर्वे को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों सर्वेस करते वक्त आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि सारे क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के करना है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के करेंगे तो आप आराम से सर्वे को क्वालिफाई भी कर जाएंगे, और साथ ही साथ क्वालिफाई करके सर्वे को कंप्लीट भी कर देंगे। और सर्वे कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, लगभग 15 से 20 मिनट खींच कर लगते हैं, आप आराम से सर्वे को कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको
कुछ पूछा जा रहा है तो इसमें हम करके और हमारी प्रोफाइल है उसको भी मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमको अभी तक भी हमारी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक भी हमको 10 क्वेश्चन मांगे जा रहे हैं। जैसे हम इन 10 क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं तो हमको यहाँ पर 2 एस भी मिल जाएंगे। 2-2 एस भी करके हमसे यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमको सबका आंसर देते जाना है। आंसर कैसे देना है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको एक क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्वेश्चन पढ़ा के आपको यहाँ पर उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये आंसर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये कर देते हैं तो आप करते जाइए, आपको एस भी मिलते जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको सर्विस तो बता ही दिया है, आपको हर घंटे में सर्वे आते रहेंगे। कई कई बार आपको ज़्यादा सर्वे भी मिल सकते हैं, ज़्यादातर जो सर्विस होते हैं वो त्योहारों के अवसर पर आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। कभी कभी सेल्स भी चलती रहती हैं मिंत्रा की, फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, तो उस पर भी ज़्यादातर सर्वेज आ जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वेज में कभी गड़बड़ मत करिएगा दोस्तों। सर्वेज की आपने प्रोफाइल तो फेक बना दी पर फेक सर्वे मत करिएगा। सर्विस करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ो। अगर आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ के करोगे तो ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके सर्वे हो जाए, क्योंकि आखिर सर्वेस बीच बीच में डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं कभी कभी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सर्वे क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के करें। और अगर आप उलझ जाते हैं किसी सर्वे में तो आप ध्यान रखिएगा उसमें से शुरुआत के 3-4 ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो, उसमें क्या रहता है आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं सर्वेस से, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या जो डेली पोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो डेली पोल का जो ये वाला ऑप्शन है दोस्तों ये आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर से आप इसको भी कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का सर्वे ही होता है, बस इसमें आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, यहाँ पर आपको एक एस भी मिल जाता है, इसलिए आप ये भी कर दीजिएगा। इस पर ऊपर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसको आप देख सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।